गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए और वेलकम टू न्यू ब्लॉग। हम भी यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, मगर मौसम बिल्कुल सही नहीं है। आज 3 दिन हो गए हैं बिल्कुल बारिश रुक नहीं रही है, बारिश ने तो बिल्कुल ठंड उठाया हुआ है। मैं कह रही हूँ कोई काम धंधा कोई कुछ नहीं है, ना बाहर जा सकते हैं ना हम कहीं आ सकते हैं। कल मैं मम्मी के घर गई हूँ, भीगती हुई वापस आई हूँ, तो मैंने हेमा को पूजा को कहा था कि चलो हम ब्लॉग बनाने के लिए कहीं बाहर चलते हैं, घर में बनाते हैं बाहर चलते हैं, बाहर कैसे जाएँ, बारिश ही नहीं रुक रही है, इतनी प्रॉब्लम आ चुकी है कि पूछो मतलब। थोड़े दिन में नवरात्रे आ जाएंगे, फिर नवरात्रे करके हम नहीं निकल पाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बारिश आए तो भी दिक्कत है, अगर बारिश ना रुके तो और ज़्यादा दिक्कत है। अभी मैं छत पे गई थी सुबह सुबह, तो कोको पूछी को भी मैं लेके गई थी, तो वहाँ बारिश आ रही थी। कोको बेचारी सारी भीग गई है, ये देखो यहाँ से सारी की सारी बेचारी भीगी पड़ी है। कोको मेरी भीग जाती है, पूछी तो समझदार है, वो तो बेचारी इधर उधर हो जाती है, मगर कोको बेचारी बरसात में भीग गई है। अब अपने आप धीरे धीरे ये पंखे के नीचे सूख जाएगी, और इनका अभी इनकी अभी रात ख़त्म नहीं हुई, ये अपना आराम कर रहे हैं, सारा दिन ये सोते हैं, बस सही ज़िंदगी जी रहे हैं, ये सही ज़िंदगी जी रहे। कह रहे हैं कोको कोको अपनी ज़िंदगी जी ले तू। वो पिक्चर आई थी ना, सिमरन अपनी ज़िंदगी जी ले, ये कोको अपनी ज़िंदगी जी ले तू, पूछी तू भी जी ले। दोपहर को आज लंच में बन रहे हैं आलू के परांठे, क्योंकि बरसातों में ऐसे परांठे वरांठे खाने तली हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, और साथ में ये आलू की पिट्ठी है और साथ में ये मिर्च का अचार और दही ले लेंगे साथ में, क्योंकि आलू के परांठे बरसातों में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। कन्नू इसको बाहर लेके जा रहा है, बाहर आ रही बारिश, गीला इसको बाहर गीला करा के देख दे रहा है, लेके जा ये ज़्यादा इसको आग लगी हुई है ना बाहर जाने के लिए, इसको गीला नहीं पूछी नहीं निकलती, देख इसको गीला करवा, बारिश में इसको गीला करा, अच्छा लग रहा है इसको बारिश की तरफ। बारिश में भीग रही है, छोड़ो तेरे को बाहर ऐसे, मगर अब तो बारिश रुक गई है हल्की हल्की। हाँ जब सार्थक जा रहा था जिम पे बहुत तेज थी। हाँ पता। कोको आ जा, ये छत पे, छत नहीं नहीं नीचे मत छोड़ी, उसके गंदे हो जाएंगे पैर, वही प्यार लेके अंदर आएगी गंदे गंदे। मैं इसको बाहर कहाँ निकलती हूँ, सैर कर रही है ये तो, घूम ले चल। रौनक ने ट्यूशन जाना सी, ता पूछ रहे सी रौनक इत्थे है। हाँ। तो रौनक ते गया नहीं ट्यूशन, 5 बज गए ने हुन ते। नहीं ओ मत बल, इने पहला ही कहता सी वो किते गई है। अच्छा ट्यूशन वाली किते गई हुई है, ता ही अंदर बैठा है ना, गया ही नहीं। हुन आज भी छुट्टी हो गई, ओंदी कल भी छुट्टी होगा, संडे है, कल भी छुट्टी हो गई। नहीं शायद कल चले जाओगे, कोई पता नहीं, कई बार बुला लेगी। अच्छा सैटरडे छुट्टी कर, संडे को बुला लेगी, 11:30 को जब बुला लेगी। अच्छा वो चार दिन पड़े, मैं जाऊंगी ना फिर पूछूंगी। हां नहीं अंदर ही बैठा होते, सी आवाज मार रहे सी ना, उन ओ कान दे उते लीड लगा लंदे ने बच्चे, सुनाई नहीं देता। हां वो अंदर बैठा कमरे च। हां टाइम मैं उते पूछया, मैं कह आगा, चलो पूछदी हां मैं उनके को। रौनक तुझे माँ जी कितनी देर से आवाजें मार रही है, ट्यूशन नहीं किया। हाँ वही वो कह रहे हैं कि शायद चला ना जाओ, तो मैंने कहा मैं देख के बताती हूँ, बैठा है नहीं बैठा, मैं कहा बैठा तो अंदर ही है। आज किस लिए उसने ट्यूशन की छुट्टी की है बेटे? काम था जाना, तो फिर कल बुलाएगी वो शायद, है ना 11:30 बजे माँ जी कह रही सुबह बुला लेती हूँ, है ना। फिर पेपर भी हैं, तेरे पेपर शुरू हो गए? थोड़े दिन में होंगे, तेरे पढ़ाई देखो बहुत जरूरी है, तू भी साहब आज ट्यूशन नहीं बुलाया उसने, तो खुद बुक्स लेके पढ़ ले थोड़ी देर घर। अभी तो लीड लगा रखी है कान में, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अच्छा चल। बहुत कमेंट आते हैं कि आंटी जी आप अपने घर का होम टूर कराओ, अपने घर का होम टूर कराओ। हमारा जो मकान है, जो है नीचे, मैं सबसे बड़ी मैं हूँ और सबसे छोटी मेरी देवरानी इकट्ठे रहते हैं। हमारे 4 रूम हैं, 4 रूम में से 2 रूम मेरे पास हैं, 1 रूम मेरी देवरानी के पास है और 1 मेरी मदर इन लॉ के पास है। किचन अलग अलग है, जैसा भी है मैं आज आपको होम टूर करवाती हूँ। ये 2 रूम है, ये वाला निक्की का रूम है छोटी वाली देवरानी का, ये मेरा रूम है। अंदर एंट्री करते सबसे पहले ये टेबल आती है, टेबल बिल्कुल डाइनिंग टेबल की तरह है, आप कुछ भी रख सकते हो, साफ सुथरी डाइनिंग टेबल की तरह ही है। और इस पे मैट के ऊपर ये लक्की बुद्धा है जो मैंने
बिठाया हुआ है और ऊपर ये टेलीविजन है और साथ में आपके सामने जो नेपाल से गिफ्ट आया था ये है और एक ये अलमारी है। ये जो अलमारी है ये बिल्कुल मतलब पिछली जो गली है उसके अंदर निकाली हुई है, यानी 3-3 फुट की अलमारी है, यानी कि 3 फुट पीछे गली में है, हमारे अंदर कोई जगह नहीं घिरी हुई। ये देखो अलमारी, ये मेरी अलमारी है, ये देखो ये ऊपर मेरे सारे कपड़े पड़े हैं, ये इनके पड़े हैं, ये सब ऐसे ही है। ये देखो ये 4 दराजे बनी हुई हैं, इन दराजों में कुछ भी रख लो, मेरी फाइलें वाइलें चुनियाँ सब पड़ते। और ये जो 2 नीचे दराजे हैं ये शू रैक है, ये ऐसे बनाई हुई है। ऐसी 2 अलमारियाँ हैं, एक उस साइड है एक इस साइड है, ये भी ऐसी ही बनी हुई है, ये भी बाहर निकली हुई है। ये चीना और कन्नू की है, ये चीना और कन्नू की अलमारी है, बिल्कुल कमरे के अंदर है नहीं, मतलब 3-3 फुट हमारी जगह बची है, पिछली बैक साइड पे चली जाती है अलमारी। ये दोनों अलमारियों के सेंटर में ये एसी लगा हुआ है और नीचे देख लो ये भी दराज हैं, 2 हैं, ये सब शू रैक है और ये दराज भी है। ये देखो ये दराज है, इसके अंदर कुछ भी मेकअप का सामान मैंने रखा हुआ है, इसमें मैंने छोटे छोटे टॉवल, ये छोटे छोटे टॉवल होते हैं वो मैंने रखे हुए हैं। और नीचे जो है ये सब, ये देखो शू रैक है, ये देखो ये कन्नू के क्रॉक्स वगैरह पड़े हैं, ये प्रेस वगैरह, शू रैक वगैरह, ये दोनों शू रैक है, एक ये शू रैक है और एक ये शू रैक है, दोनों हैं शू रैक। तो मतलब बिल्कुल कमरे में कुछ भी मतलब खिलड़ा हुआ नहीं है। और ये बेड है, बेड पे जो है 2 महारानियाँ बैठी हैं और इसके साथ ही ये सेटी है जिसपे कोई आता है जाता है बैठ जाता है, सेटी है। और ये फ्रिज है बस, और फ्रिज से बाहर ही एंट्री करो तो मेरी ये वॉशिंग मशीन पड़ी है। और ये मेरी किचन है, ये मेरी किचन है, ये सामान रखा हुआ है सजाने का, ये मेरी किचन है, ये बर्तन धो के यहाँ टिकाते हैं, ये बॉटल्स है जो खाली होती है, ये माइक्रोवेव नया लिया था, ये सब मैंने नमकदानी, ये डब्बा मैंने इस पे रखा हुआ है, ये टैलें लगी हुई हैं, ये सारी मेरी फुल टैलें हैं, पूरे कमरे के अंदर फुल टैलें हैं मेरी, बिल्कुल कोई भी गंदगी कहीं नहीं, मतलब मेरे को वाइट वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है, साफ सुथरी मेरी बिल्कुल किचन है। ये ऐसे दराजे बनी हुई हैं, ये देखो गाइस इतनी बड़ी, ये नीचे सारी टैलें लगी हुई हैं, ये किचन है, बिल्कुल किचन कमरे के साथ टच करती है, ये कमरा साथ में जैसे ही निकलो ये किचन है। तो मुझे किसी ने बोला था आंटी आप मुझे ज़रूर दिखाना कि आपकी किचन कैसी है और कमरा कैसा है, तो मैंने आपको दिखा दिया। किचन के साथ ही ये खिड़की लगी हुई है, उसके साथ ये वॉश बेसन है और वॉश बेसन के साथ ही ये बाथरूम है। और ये दीवार करते करते ये बच्चों का रूम है, ये देखो गाइस ये बच्चों का रूम है जिसमें बेड है, ये सेटी है, ये बच्चों का रूम है बिल्कुल साफ सुथरा। और ये थोड़ी सी वाइट वॉश खराब हो रखी है, वो पीछे किसी का घर बन रहा है तो उसकी वजह से सीलन है उनके घर, तो जब वो बन जाएगा तो फिर हम ठीक करवा लेंगे। और ये मेरा बिल्कुल सामने लड्डू गोपाल जी और साईनाथ जी जो मेरे हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। और ये ऊपर साईं जी की पालकी, गणेश जी साईं जी की पालकी जो मैं शिरडी से लेके आई थी, ये मेरा बहुत सुंदर मंदिर, लक्ष्मी गणेश साईं बाबा जी लड्डू गोपाल जी सब है जो मैं रोज़ इधर पूजा करती हूँ, बस यही मेरा है। ये यहाँ से निकलो तो ये गेट आ जाता है बाहर की भी गेट है। और इधर से निकलते ही ये वाला मम्मी का कमरा है, ये तो आपने देखा ही है। और ये मम्मी का कमरा है, ये मम्मी बैठी है, ये साईनाथ जी, ये यहाँ अलमारी है, मम्मी की 2 अलमारी है, एक ही लोहे की अलमारी है एक ही लकड़ी की अलमारी है। और ये मम्मी बैठी है यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर सेटी है, एक ये सेटी है, यहाँ टेलीविज़न है, एक ये सेटी है, और ये स्टूल है जिसमें मम्मी खाना वगैरह, बस यही है, ये रूम है जो मैंने आपको दिखाया है, बस वही ये रौनक है। ये बाथरूम में जा रहा है। और ये किचन है, निक्की की है सेम मेरे जैसी, और ये निक्की का कमरा है बिल्कुल सेम मेरे जैसा है, बस सामान अलग अलग है, ये ऐसे है सामान। रात के 9 बज चुके हैं, बारिश भी नहीं आ रही, तो मैं इनको कह रही हूँ फटाफट चलते हैं मंदिर मत्था टेक आते हैं जाके, ऐसे ना हो बारिश आ जाए।
तो बस चलो फिर मंदिर है। पूरा दिन बारिश ही नहीं, पूरा दिन दो दिन से बारिश ही हुई जा रही है। दो दिन से बारिश हो रही, मतलब अभी रुक गई है, अब रुक गई है तो फटाफट निकल चलते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा जाना। नीलांजन समाभासम। अभी मैंने सारा नीचे ग्राउंड फ्लोर का दिखाया है, अभी फर्स्ट फ्लोर का नहीं दिखाया है डॉली और सोनिया का, क्योंकि बहुत लंबी बन जाती, ऊपर का भी कभी दिखा दूंगी। तो ये भी शुक्र मनाती हूँ कि हम लोग, मैं सबसे बड़ी हूँ यानी कि जिठानी हूँ, मेरी तीन देवरानी है, ये चार भाई हैं, हम सारे इकट्ठे रहते हैं। बस जैसे ही दुख सुख होता है फटाफट सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, बहुत प्यार से रहते हैं। आजकल लोग कहाँ रहते हैं, हमारी गली में भी देख लो चार भाई थे, चारों के घर अलग अलग हो गए, सब कुछ अलग हो गए, फिर भी नहीं बनी, फिर भी फ्लोर बेच के चले गए। हम तो फिर भी सारे इकट्ठे रहते हैं, सारे बच्चे भी इकट्ठे रहते हैं, सबके दो दो बच्चे हैं, सब प्यार से रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं है। आजकल के आजकल का माहौल देखो और हमारा माहौल देखो, हम तो कहते हैं हम बहुत सुखी हैं और एक घर में रह रहे हैं, छोटा सा ही घर मगर इकट्ठे तो रह रहे हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।